का न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूँ दिव्या तिवारी। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक संपन्न हो गई है और प्रदेश मुख्यालय पर हुई है यह अहम बैठक। और बैठक के बाद सचिन पायलट का बयान भी सामने आया है कि आगामी लोकसभा चुनावों में उम्मीदवार चयन रणनीति पर चर्चा की गई है। हमारा लक्ष्य सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज करना है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की यह महत्वपूर्ण बैठक जिस पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई और पैनल बनाकर अब दिल्ली भेजा जाएगा। आपको बता दें कि अब खबरें इस तरीके की भी आ रही हैं कि जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली भी जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो कमेटी के सदस्य थे वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे और फिलहाल ये बैठक संपन्न हो गई है। और कुछ ही देर में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। तो कांग्रेस का मिशन 25 और इसी को लेकर आज ये बैठक बुलाई गई थी जो कि खत्म हो चुकी है। फिलहाल तस्वीरों में आपको अविनाश पांडे, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं और काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है ये उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। तो प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की ये पहली बैठक जो कि संपन्न हो गई है उम्मीदवारों के चयन को लेकर पैनल तैयार करने के बाद आलाकमान के सामने ये रखा जाएगा और अंतिम मोहर दिल्ली से ही लगेगी। और इससे पहले आपको याद होगा कि 25 लोकसभा क्षेत्रों को लेकर हर एक क्षेत्र की बारीकियों को समझने के लिए, वहां की स्थितियों को जानने के लिए एक एक दौर की बैठक रखी गई थी और हर सीट पर मंथन किया गया था। लेकिन आज की ये बैठक भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि रणनीति को लेकर चर्चा हुई है और एक आम राय बनाने की कोशिश। हालांकि जो टिकटों के दावेदार हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, जो सभी जिसके नाम पर सहमत होंगे उसको ही टिकट दिया जाएगा। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। खासतौर पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो विधानसभा चुनाव में फतह मिलने के बाद अब अगला टारगेट लोकसभा का चुनाव है और इसीलिए सबसे पहले जनता से जो वादे पूरे किए गए हैं सरकार की तरफ से उन पर काम शुरू कर दिया गया है। अगर एक तरीके से हम देखें तो किसानों की कर्ज माफी से जुड़ा हुआ मुद्दा जो कि लगातार बीजेपी भी जोर शोर से उठा रही है, और इस वक्त हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, हालांकि अब से थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, लेकिन निचोड़ इस बैठक का अगर माने तो वो क्या कुछ रहा? देखिए, जहाँ तक अंदर से जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार किस तरह मापदंड हो, किन उम्मीदवारों को उतारा जाए, किस तरह का फीडबैक आया है, इन सब मुद्दों पे चर्चा हुई है। जो असली निचोड़ है वो तो अभी खुद जब अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट जब प्रेस से बात करेंगे तब वो बताएंगे, लेकिन जो हमें अंदर से जानकारी मिली उसके अनुसार पहली बात तो इस बात पे एक राय बनती नजर आई कि जो स्थानीय उम्मीदवार है उनको तवज्जो दी जाए, जो स्थानीय उम्मीदवार है उन्हीं को मैदान में उतारा जाए, एक जगह से दूसरी जगह बदलने से बचा जाए ताकि जो पार्टी है वो अच्छा प्रदर्शन कर सके। और बात देखिए, जो विधायकों को चुनाव लड़ाने पे भी हुई है उसमें भी चर्चा हुई है कि लड़ाया जाए या नहीं लड़ाया जाए, कुछ पक्ष में भी है और जो समिति के सदस्य है उनका यह भी कहना है कि अगर कोई जिताऊ है तो उनको जरूर आजमाया जाना चाहिए। लेकिन देखिए, इस बारे में जो फैसला है वो राहुल गांधी को करना है कि विधायक चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो कुल मिला के जो जो बात जो आज हुई है वो इसी के इर्द-गिर्द है कि मापदंड क्या होने चाहिए और दूसरी बात ये कि किन मुद्दों के साथ चुनाव में जाया जाए, इस पर भी इस बार में चर्चा हुई है कि जो लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसमें ऐसे मुद्दे के साथ पार्टी मैदान में उतरेगी जिनमें राजस्थान सरकार ने अभी जो फैसले लिए हैं उनको भी भुनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, चाहे वो ऋण माफी का हो या फिर वो युवाओं को जो संबल योजना के तहत जो बेरोजगारी भत्ता देने का मामला हो, इन सब के साथ चुनाव में उतरने का फैसला किया है। अब देखिए, यहाँ के बाद जो अगली जो मीटिंग होगी वो दिल्ली में होगी,
जहां पे सचिन पायलट रहेंगे, अशोक गहलोत रहेंगे, अविनाश पांडे है, ये सब मौजूद रहेंगे। और उसके बाद जो केंद्रीय जो इलेक्शन कमेटी है वो अंतिम मोहर लगाएगी जो उम्मीदवार है उन पे, क्योंकि पार्टी के ये जो तीन प्रमुख जो कह सकते हैं दिग्गज है, पांडे, गहलोत और पायलट, ये तीनों एक तरह से कह सकते हैं पैनल लेके वहां जाएंगे और दिल्ली में फिर अंतिम मोहर लगेगी। जो भी पैनल होगा, कई जगह एक एक नाम की चर्चा चल रही है और कुछ जगह ऐसी भी है जहां पे अभी पार्टी को और ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत है, जहां पे एक अच्छे जो चेहरे की तलाश जो है वो भी जारी है। तो इन सब पहलुओं पे जो है काफी मंथन हुआ है, क्योंकि देखिए करीब 11:15 बजे मीटिंग शुरू हुई थी और ये कह सकते हैं कि 4 घंटे तक मैराथन मीटिंग है वो लगभग जो चली है। अभी मीटिंग काफी देर पहले हालांकि औपचारिक रूप से खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी टेबल पे चर्चा है वो चल रही है। कई जो सदस्य हैं वो यहाँ से जा चुके हैं नरेश, लेकिन आपने जिस बात का जिक्र किया कि बैठक में इसको लेकर चर्चा हुई है कि जो स्थानीय उम्मीदवार है उसे प्रेफरेंस ज्यादा दी जाए, तो इसकी दो वजह निकलकर सामने आती है। पहला तो ये कि जो उस क्षेत्र की परिस्थितियां होंगी उसे समझने वो अच्छे तरीके से माहिर होगा, और दूसरा ये कि अगर वहां से कोई उम्मीदवार उतरता है तो उसका विरोध भी कम होगा। जी बिल्कुल, देखिए इसीलिए ये मुद्दा रहता है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, जब विधानसभा चुनाव की भी हम बात करें तो कई बार ऐसा हुआ है कि दूसरे जहां का उम्मीदवार नहीं है वहां से उसको टिकट दे दी जाती है, तो स्थानीय लोग उसका विरोध करते हैं जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। तो इन सब से बचा जा सके, किसी तरह की विरोध ना हो, बगावत की बातें ना हो, तो इसलिए जो जितने भी सदस्य हैं उनकी लगभग एक राय थी कि जहां तक हो सके, संभव हो सके, वहां तक जो स्थानीय उम्मीदवार है उनको उतारा जा सके। क्योंकि देखिए जिस तरह से पिछली बार टोंक सवाईमाधोपुर से अजहरुद्दीन को मैदान से उतारा गया था जो राजस्थान के नहीं है, तो पार्टी को वहां भी हार का सामना करना पड़ा था। तो इन सब से बचने की जो कोशिश है वो होनी चाहिए। इस तरह की राय मीटिंग में दी गई है कि कोई बाहर से आके फिल्मी सितारों को उतारा जाए या कोई ऐसे और कोई ऐसी अस्थि को उतारा जाए जिनका राजस्थान से सीधा संबंध नहीं है, या फिर एक जिले से दूसरे जिले में बदले जाए, इन सब को रोकने की जो है वो कवायद इस मीटिंग में की गई है कि जो स्थानीय लोग हैं जिनको जनता जानती है, जो वहाँ का उसका प्रभुत्व है, वहाँ पे कार्यकर्ता है, वहाँ संगठन में सक्रिय हो, ऐसे लोगों को टिकट देने की जो राय है वो रखी गई। बिल्कुल नरेश, और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हालांकि शुरू होगी लेकिन उससे पहले जो बॉडी लैंग्वेज दिख रही है खासतौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की और सचिन पायलट की, वो बहुत कुछ बयां करती है कि सकारात्मक रही है बैठक और जल्द ही होमवर्क पूरा कर लिया जाएगा एक्सरसाइज खत्म होने के बाद। बिल्कुल, काफी खुशनुमा माहौल में मीटिंग हुई है और तस्वीरें भी आपने देखी होगी कि किस तरह से एकदम जो उनके चेहरे ये बता रहे हैं कि वो कितने आश्वस्त है इस चुनाव में जाने के लिए, और जीत के जो उनका जो दावा है वो कितना पुख्ता है वो भी उनके चेहरे बता रहे हैं। और फिलहाल जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो पीसीसी प्रमुख सचिन पायलट के चैम्बर में बैठे हैं, जहाँ अविनाश पांडे के साथ उनकी चर्चा हो रही है, क्योंकि मीटिंग काफी देर पहले खत्म हो चुकी थी। अब एक अनौपचारिक चर्चा, आगे किस तरह कहाँ मीटिंग करनी है, कब दिल्ली जाना है, और राहुल गांधी जब अजमेर आएंगे उनके बारे में भी सब चर्चा चल रही है, और कुछ ही देर में ये सब बाहर आएंगे तो मीटिंग में और जिन बातों पे चर्चा हुई है, जिस तरह की फीडबैक आए हैं उनके बारे में भी संभव है कि वो मीडिया को बताए, क्योंकि काफी लंबी मीटिंग चली है। पहले उम्मीद थी कि करीब 1 घंटे तक ये मीटिंग चलेगी, लेकिन जिस तरह से 4 घंटे मैराथन मीटिंग में चर्चा हुई है, महामंथन हुआ है, उसको देख के लगता है कि पार्टी ने काफी एक्सरसाइज की है, पार्टी पदाधिकारियों ने काफी एक्सरसाइज की है, ताकि जब राहुल गांधी के पास या जो केंद्रीय चुनाव समिति के पास जब यहाँ राजस्थान के उम्मीदवारों पे चर्चा हो तो हर तरह के सवालों का जवाब उनके पास हो। किस तरह से जातिगत समीकरण साधे जा सकते हैं, किस तरह जो युवाओं का प्रतिनिधित्व हो, किस तरह महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो, इन सब सारे समीकरण देखते हुए ही जो पैनल है वो तैयार होंगे। क्योंकि जहाँ जिस जाति का बाहुल्य होता है ये उम्मीद की जाती है कि अमूमन उसी जाति के उम्मीदवार को टिकट दी जाती है, और अगर और साथ में ये भी देखा जाता है कि जो प्रमुख जातियां है, क्योंकि राजस्थान में आप जानते हो कि जो चुनाव है जातिगत आधार पे होते हैं, इसलिए कोशिश ये रहती है कि जितनी भी प्रमुख जातियां उनको उचित अनुपात में जो है वो प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो ये सब जो चीजें हैं वो इस मीटिंग में डिस्कस हुई है, और इसकी जो परिणति है वो जब चुनाव में के समय जब उम्मीदवार डिक्लेयर किए जाएंगे तब आपको दिखाई भी देंगे।
चलिए शुक्रिया आपका नरेश इस जानकारी के लिए। तो अब से थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी मुख्यमंत्री की तरफ से और उसकी तैयारियां भी आप देख ही रहे हैं तस्वीरों में। तो कांग्रेस का मिशन 25 और प्रदेश मुख्यालय में आज जो अहम बैठक रखी गई थी वो फिलहाल 11 बजे शुरू हुई थी, लेकिन 4:15 बज रहे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, जिसमें तमाम बातों को सामने रखा जाएगा कि किन किन चीजों पर मंथन किया गया। लेकिन अहम बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि जो स्थानीय उम्मीदवार हैं उन्हें ही ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए, उन्हें ही टिकट दिया जाए। इसके अलावा हालांकि संशय के बादल अभी नजर आ रहे हैं कि क्या जो मौजूदा विधायक हैं वो भी चुनाव लड़ेंगे, क्या उन्हें टिकट दिया जाएगा, इसको लेकर अभी तक जो तस्वीर है वो साफ नहीं हो पाई है। हालांकि एक एक सीट पर चर्चा जरूर हुई, रणनीति तैयार की गई और उम्मीदवारों का पैनल तैयार करने के बाद अब माना जा रहा है कि जल्द ही नेताओं की जो दौड़ है वो दिल्ली के लिए एक बार फिर से देखने को मिलेगी। तो कांग्रेस ने सत्ता में आते ही आम जनता से किए जो वादे हैं उनको पूरा करना भी शुरू कर दिया है। खासतौर पर अगर किसानों की कर्ज माफी से जुड़ा हुआ मुद्दा देखें तो उसे भी इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। 7 से लेकर 9 तारीख तक 3 दिवसीय शिविर लगाने जा रही है कांग्रेस। और दूसरी तरफ बेरोजगारी भत्ते का भी ऐलान हो गया है। तो अब से थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर दी जाएगी, लेकिन बैठक के बाद सचिन पायलट का बयान सामने आ गया है कि आगामी लोकसभा चुनावों में उम्मीदवार के चयन को लेकर चर्चा की गई है और रणनीति तैयार की गई है, लेकिन वो कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर अगला चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा, युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा, महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा मंच से उठाया गया था और उसका असर भी पॉजिटिव ही नजर आया था, जिसके बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से सत्ता में वापसी की और अब 100 दिनों का जो एजेंडा है उसी पर काम किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां दफ्तर से बाहर निकल रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो फर्स्ट इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पीसीसी में जो बैठक चल रही थी वो संपन्न हो चुकी है और तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई और उम्मीदवारों का जो पैनल है उस पर भी एक्सरसाइज की गई। मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहते हैं गहलोत वो भी सुनवाएंगे आपको। तो फर्स्ट इंडिया पर ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें, आज सुबह 11 बजे से ही ये बैठक शुरू हो गई थी। हालांकि उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि महज 1 से 1.5 घंटा ही ये बैठक चलेगी, लेकिन अब बैठक संपन्न होने के बाद मीडिया से मुखातिब होंगे ये नेता और अविनाश पांडे को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और इसके अलावा जो सचिन पायलट हैं वो भी यहाँ मौजूद रहे थे। तो जो कमेटी के सदस्य हैं 40 वो भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पीसीसी में बैठक संपन्न होने के बाद अब जो नेता हैं वो बाहर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसके अलावा अविनाश पांडे वो भी नजर आ रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट की तरफ से बयान जरूर सामने आ गया है कि रणनीति को लेकर चर्चा हुई है, उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन खास तौर पर जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि स्थानीय उम्मीदवार को ही प्रेफरेंस दी जाएगी इस चुनावों में। और
हर समीकरण का ध्यान रखा जाएगा, खासतौर पर युवाओं पर ध्यान रहेगा, महिलाओं पर ध्यान रहेगा, जातिगत समीकरण जो है वो भी देखे जाएंगे और उसके बाद ही उम्मीदवारों के जो नाम हैं वो तय होंगे। हालांकि आखिरी फैसला जो है, आखिरी मुहर जो है वो दिल्ली से ही लगेगी। लेकिन क्या मौजूदा विधायक भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आपको याद होगा कि जब इससे पहले दिल्ली में बैठक हुई थी तब वहां कुछ नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि जो मौजूदा विधायक हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो सिर्फ जनता की सेवा करेंगे। लेकिन फिर बयान सामने आया कि नहीं, अभी इस पर कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है और अब ये बैठक